ऑल स्टूडेंट, तो आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंग्लिश का, मैं सारा सॉल्यूशन लेकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर जो सॉल्यूशन है 100% सही है। और हमने कहा था जल्दबाजी में आप कुछ मत कीजिएगा, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सारे के सारे सॉल्यूशन जो कि सेक्शन ए बी सी डी सभी के होंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट टू आएगा ना तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला सेक्शन ए। तो ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और इनको लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लोगों के लिए बता दें इस तरीके के आगे सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हम और अच्छे तरीके से क्वालिटी लेकर आएंगे, क्योंकि अभी आपको अच्छे से इसमें लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहें इसका तो कर लीजिए, वरना बाकी तो हम कर ही लेंगे बाद में, इसको पार्ट टू में कवर करेंगे इसको, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो होगी, सभी की देना है। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर दो है उसको देख लीजिए, आपको बता दें बी वाला आपका क्वेश्चन नंबर है जो व्हाट डज अ ट्री डू टू गिव एस साइड, ये वाला, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद सी है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद डी और फिर ई, इसी तरीके से आपको कॉपी जमाना है, फिर एफ, इस तरीके से सारे के सारे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जी तक। अब इसके जो आपको बता दें जिस तरीके से ये दिया गया है आपको इसी तरीके से लिख लेना है, या फिर आप चाहो तो अंडरलाइन वगैरह जो है आपके अनुसार कर सकते हो। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको अब कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, कौन से पार्ट का चाहिए, मतलब सेट का, तो आप लोग ये बता दीजिएगा। अब यहाँ पे बता दें यहाँ पर अब इसका जो आपका ये क्वेश्चन है क्वालिटी, तो इसका इस तरीके से आपको लिखना था कुछ, तो आप लोग अपने में मिला लीजिएगा पैसेज वगैरह, तो आप लोग उससे कर लीजिएगा, ठीक है। सेट सी वाले स्टूडेंट का पूरा सॉल्यूशन है ये, और ए बी सी डी जो है वो उनको हम आगे देखते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और कहाँ से मिलेंगे सभी सेट के सॉल्यूशन उसके लिए वीडियो को पूरा ही देखना पड़ेगा, वरना आपका जो क्वेश्चन है वो स्किप हो सकता है, फिर आप लोग पूरी वीडियो को कहीं पर भी देखो फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से अब एच आप देख सकते हो एच का आंसर, फिर उसके बाद एच के बाद आपका ट्री वर्स द, ये वाला क्वेश्चन था आपका विंटर वाला, तो इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया गया है कूल, ठीक है, कोल्ड फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जे के इस तरीके से दिए गए हैं, और यहाँ पर आप बता दें हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे दिए गए हैं ए बी सी डी ए जी के तक के आपके पूरे दिए गए हैं, पूरे के पूरे कर लीजिएगा इनको कंप्लीट, 100% सही है, कॉपी चेक हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बता दें क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर दो का आपका फर्स्ट जो होगा उसमें आ जाएगा आपका 90%, ठीक है, 90 मतलब 19% आ जाएगा आपका 90। उसके बाद यहाँ पे बता दें अब आपके जो और आगे के क्वेश्चन हैं आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट कर लेना है पहले सारा, और जो आपका पैसेज नंबर दूसरा था आठ नंबर का, उसमें से 10 क्वेश्चन करने थे आपको, तो 10 में से आपको पहला हो गया, और उसके बाद बी हो गया आपका दूसरा, उसके बाद जो सी हो गया आपका तीसरा, और डी भी यहाँ पर दिया गया फाल्स हो जाएगा, उसके बाद ई दिया गया है, ठीक है। फिर एफ़ नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर 11 क्वेश्चन दिया गया, तो हमें केवल 10 करनी थी, ठीक है। तो एफ दिया तो गया है, ट्रू लिखा हुआ है एफ़ में, ठीक है, तो एफ़ को कुछ मत करो, उसको तो सही है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है, ठीक है, यहाँ पे जी वाला जी, तो उसमें आपको ये चूज़ का चॉइस कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं और आगे का, तो इसके बाद आगे का आपको बता दें तो आई जे के वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम देखेंगे, और आपको बता दें अगर आपके सेट का सॉल्यूशन है तो कमेंट में बताइएगा। और आपको एक और बात बताएं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा थोड़ी चैनल को, बिकॉज सभी के पास सही सही उत्तर पहुँचने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा जो है, अब आपका जो तीसरे का पहला मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको नोट्स और मेकिंग करना है ना, तो समरी जो आपका दूसरा है। और यहाँ पे बता दें डेली वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे वीडियो दे रही हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा जितना आपसे हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका तीसरा क्वेश्चन का पहला जो है आप उसको कर लीजिएगा कम्प्लीट, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप इनका, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन जो आपका है दूसरा क्या है, ये मतलब कि इसी का दूसरा है, तीसरे का दूसरा ये है कि समरी लिखनी है आपको, तो समरी आप किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर पूरी की पूरी लिखी गई है, कीवर्ड वगैरह आपको लिखनी है, तो आपको क्या करना है, चैनल में वीडियो डली हुई है तो आप लोग लोगों पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो वो वीडियो आपको दिखाई देगी, तो उसमें से आप सारा का सारा कम्प्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, तो सेक्शन बी इसमें आपको क्या करना है, 100% सही उत्तर लिखने हैं और डाउट में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है। तो सेक्शन बी जो आपका हो जाएगा, इसमें सबसे जो आपका पहला वाला है उसमें आपका क्या हो जाएगा, पहले में आपका मीट आएगा,
ठीक है, तो आप लोग अपना सेक्शन सी वाले स्टूडेंट, मतलब सेट सी वाले स्टूडेंट अपना सेक्शन बी देखिए, उसमें हो जाएगा पहले में मेट, दूसरे में हैज़ नॉट टेकन, फिर जो आपका तीसरा हो जाएगा उसमें आपका हो जाएगा सम, और उसके बाद मैनी, इस तरीके से कुछ दिए गए हैं सारे, तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे एक और दिया गया है ई वाला, तो इसमें द आएगा और टॉयलेट है क्योंकि यहाँ पे, फिर यहाँ पर हर देन टीचिंग, इस तरीके से आपके क्वेश्चन ही हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे लिखा भी गया है कौन सी का कौन सा है, तो आप लोग उससे भी कर सकते हो। तो अपना कॉपी निकाल लो और डायरेक्टली इनको लिख लो, या फिर स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, और जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए हो कमेंट में बता दीजिएगा, आपको 100% सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो शेयर करेगा उनकी बात है जो बहुत जल्दी सुनी जाएगी, या फिर उनकी कमेंट को सुना जाएगा, और उन्हीं की कमेंट पर हम पूरा का पूरा आपको देंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो डी और ई और एफ, ठीक है, जो तीन दिए गए हैं तो आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट कर लो। यहाँ पे टॉफी आर, जो मतलब डुअल डायरेक्टिव थे आपके, तो उन्हें आपको पांच करना था कोई, तो पांच अब कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि पांचों के पांचों दिए गए हैं, मैंने दो ऑलरेडी बता दिए हैं। अब आपके पास छः थे, तो छः में से हमने बी नहीं किया है, बाकी सारे किए हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेक्शन सी, तो सेक्शन सी जो है उसमें आपको एक दिया गया है जो कुछ पैराग्राफ वगैरह, उससे आपको निकाल के क्वेश्चन एंड आंसर लिखने थे सारे के सारे। तो आपको क्वेश्चन नंबर छठवा निकाल लेना है, उसमें आपको फर्स्ट में डी लगा लेना, मतलब आ फोटोग्राफ, दूसरा जो हो जाएगा उसमें आपका लेस हो जाएगा, और तीसरा में आपका सन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर छठवा कम्प्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो छठवा था वो हो जाने के बाद, जो तीसरा है आपका उसमें सी है, सी मतलब समुद्र। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका आता है सातवां, तो जो सातवां क्वेश्चन था आपका, उसमें आपको क्या करना था, आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे आंसर लिखे गए हैं इसके। ठीक है, इसमें एक प्राय पैसेज वगैरह था, पैसेज था, तो आपको क्या करना था, ये वाला जो पैसेज था आपकी बुक से आया था ग्रैंड मदर वाले चैप्टर से, तो उसी का ये पैसेज था, इसके आंसर यहाँ पे तीनों के तीनों दिए गए हैं, तीन नंबर में ही आया था ये। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा कम्प्लीट। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे आठवां क्वेश्चन, और जो आठवां क्वेश्चन था आपका, उसमें आपको क्या करना था, आठवें क्वेश्चन में आप लोगों के लिए कुछ दिए गए थे वो बुक से, जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं ना इस तरीके से, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लो, सारे के सारे पूरे सही हैं, और इनको आप डायरेक्टली लिख लेना। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नौवा, तो क्वेश्चन नंबर नौवा में आपको दो करने थे, एक ए करना था एक बी, तो इसमें से आपको बता दें कि 9A और 9B यहाँ पर सॉल्यूशन पूरा दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसको लिख सकते हो डायरेक्टली। और मैंने बता दिया है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पार्ट टू अगर चाहिए है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, जिससे आपको मैं जब पार्ट टू दूंगी तो आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और किस सेट के सॉल्यूशन आपको चाहिए हैं ये सब कुछ आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपको हम सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। और इसके आगे का पूरा तैयार है, बट मैंने आपको अभी 11वां क्वेश्चन बता दिया है, और इसके अलावा 10वां 12वां जो जितने भी रह गए हैं वो सारे हम पार्ट टू में एक साथ कवर कर लेंगे, और पार्ट टू जस्ट आने वाला है। और अगर आप ये वीडियो थोड़ी देर बाद देख रहे हो तो लगभग आ चुका होगा, तो आप लोगों पर क्लिक करके अंदर जाके देख सकते हो चैनल में कि आ चुकी है वीडियो, तो आप वहाँ से कर सकते हो। अब उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर और बता देते हैं, जो कि आप लोग को टाइम लगेगा करने में, तो ये जो पोस्टर है आपका, तो इस पोस्टर को कर लीजिएगा कंप्लीट, क्योंकि ये जो पोस्टर है बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और बहुत ही अच्छा पोस्टर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पोस्टर के लिए पूरा का पूरा छाप के रखना है अपनी कॉपी पर, और इसी तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।